करती बेटी, आई एम पैनिंग माय पैंट्स खुदी 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 खुदी. पानी तो इज लाइक नो बिग डील. वाओ हाँ, तीन चार दफा बोल दो. छोड़ी 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 छोड़ी. इट्स अ मोमल शो. पाकिस्तान जिंदाबाद. जीने का मजा तो सुबह में है. अस्सलाम वालेकुम. क्या ऑडियंस है. मुआ, मुआ, मुआ. वैसे ये ओए होए होए होए, ये आप लोग के हाथ में है क्या? ये क्या है, चीनी? भाई मुझे भी तो दी जाए ना, कोई देगा मुझे? ओह वेरी गुड, कैंडी फ्लॉस खा रहे हैं सुबह ही सुबह. अच्छा जल्दी जल्दी से मेरी तारीफें करें ना. अच्छी अच्छी अच्छा. और स्मार्ट हूँ और गुड लुकिंग हूँ और चीनी की तरह. ओके ओके ओके, वाह भाई वाह. इतनी मीठी मीठी बातें हो रही हैं, इतनी मीठी मीठी तारीफें हो रही है, तो हमने सोचा कि आज का प्रोग्राम जो है वो हम चीनी के नाम क्यों ना कर दें. क्यों? जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, एक बच्ची थी जो एक छोटी सी बेबी थी, वो केक किस तरह खा रही थी. देखिए जब मीठे की बात आती हो तो चाहे बच्चा हो या बड़ा, मीठे को छोड़ नहीं सकता. और मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वेट जिन आंटियों का बड़ा हुआ है ना, वो जरूर चीनी की वजह से है. हाँ मुझे तो आपसे बात करनी है और आपसे पूछना है मुझे के माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत लग रही हैं और इस खूबसूरती का ये ग्लोइंग राज क्या है? चीनी. चीनी खाना. हाँ हाँ अब्बू के. अच्छा बेसिकली अब्बू के जरिए खुद खा लेती हैं. अच्छा माशाल्लाह भाई. अच्छा भाई एक तो मुझे ये बताएं, जो सच सच मुझे जवाब देगा, एक क्विज कर लेते हैं. क्विज कर ले, गिफ्ट्स चाहिए सुबह सुबह गिफ्ट्स. हाँ ये भाई वाह भाई वाह. अच्छा अगर मेरी नाजरीन मुझे घर पे बैठ के देख रही है, अगर उन प्यारी सी ऑडियंस और नाजरीन को गिफ्ट्स चाहिए हैं तो हमें फ़ोन करें. और जो सवाल मैं पूछने वाली हूँ वो आप लोग भी एक जवाब दे सकते हैं, और अगर आप लोग का जवाब मज़ेदार हुआ तो ये गिफ्ट जो अलमारी डॉट पीके की तरफ से वो आपके भी हो सकते हैं. तो भाई हम शुरू कर रहे हैं अपने इस छोटे से क्विज से. ठीक है, क्विज ये है कि गेम ये है कि मैं एक सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से कि चीनी नुक्ता कौन कौन करता है. नुक्ता चीनी कौन कौन करता है? नुक्ता चीनी कौन कौन करता है बताएं जल्दी से. अच्छा जिसका मजेदार सा जवाब होगा उसको मैं दे दूंगी तोहफा. चलें जी आप बताएंगी. ओके बताएं बताएं. हाँ नुक्ता चीनी किसमें करनी है? आपने तो करनी है, आपने फौरन करनी है, मुझमें करें. चलें जल्दी से. इतनी प्यारी क्यों है? मैं इतनी प्यारी क्यों? चीनी नहीं खाती है ये तो नुक्ता चीनी नहीं हुई. हाँ चलिए और कौन करेगा, और कौन करेगा, और कौन करेगा? आए आए जल्दी जल्दी जल्दी. आप इतनी दुबली क्यों हैं? अच्छा चीनी खाए कर. अच्छा नहीं आप मुझे तो छोड़े, वैसे कोई करता है नुक्ता चीनी कौन करता है? हाँ हाँ नहीं 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 एक आपको दूसरों को भी तो चांस देना है. हाँ जी बोले. अपनी बहू को बोलती हूँ मीठा ज्यादा बनाया. जबरदस्त भाई. अच्छा उन्होंने जो है ना फुल खोल दिल खोल के जवाब दे दिया. आपकी अगर बहू यहाँ पे आई, आपकी बहू आपके साथ, और अगर उन्होंने घर पे बैठ के देख लिया तो
ये ले चले अलमारी डॉट पीके की तरफ से, ये आपका हुआ नुक्ता चीनी। नुक्ता चीनी आखिर है क्या? कॉलर्स? हाँ भाई, मैं चाह रही हूँ कि अगर मेरे कॉलर्स भी आ जाए हमारे शो पे, उनके अपने शो पे, तो क्या बात होगी। हाँ आ जाए जल्दी से भाई, हमें कॉलर्स मुझे दे और मुझे जल्दी जल्दी कॉल्स दे, मैं अपने कॉलर से भी बात करता हूँ। और मेरा सवाल मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, कौन कौन नुक्ता चीनी करता है, जिसका मजेदार सास जवाब होगा उसको मिलेंगे हमारी तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अच्छा भाई, टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हैं, चीनी के फवायद, मीठी मीठी बातें, ये सब आज हम करेंगे अपने शो पे। और हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या नुकसानात हैं चीनी खाने में और क्या फवायद हैं चीनी खाने में, ठीक है? और चीनी की कितनी कितनी किस्में, बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को, चीनी के कुछ रंग या कुछ ढंग, आइए चलकर देखते हैं। चीनी कम है आप लोगों की जिंदगी में? चीनी कम है? नहीं, चीनी अगर नहीं होती तो जिंदगी कुछ अधूरी और फीकी सी होती, और फीकी जिंदगी किसको पसंद है? किसी को भी नहीं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो यहाँ आ चुके हैं और कुछ गपशप कर रहे हैं, तो मैं जरा उनसे जाके पूछूं कि क्या गपशप कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हमारे प्यारे से गेस्ट को, प्लीज आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद आलम, प्लीज तशरीफ रखिए। हकीम अब्दुल, प्लीज अलैकुम सर, आइए। और हमारे पास है अनंत तनवी, आइए तशरीफ लाइए। भाई एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन करा रही थी और मैंने देखा कि मेरे गेस्ट जो है वहाँ पे खुशबुस चल रही है, तो ये खुशबुस क्या थी? सबसे पहला तो सवाल मेरा यही होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब इंट्रोडक्शन पूछा, डॉक्टर साहब आप अच्छा हर्बलिस्ट हो, या ये पूछ रहे थे, या ये पूछ रहे थे यार ये कैंडी फ्लॉस हमें मिलेगा या नहीं? हाँ जो ये आपके कैमरा, ये जो आपकी बाइक्स लगे हुए ना, ये हमें फौरन आवाज आ जाती है। तो ये लोग यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे यार ये कैंडी फ्लॉस भाई अगर दे हैं तो भाई डॉक्टर साहब को भी हम कैंडी फ्लॉस देंगे। तो अगर आप कैंडी फ्लॉस की बात करें तो ये लें जी सर, हर किसी के हाथ में वही नजर आ रहा है, है ना? अभी तो खाएंगे लेकिन इसके बताएंगे क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं। ये तो है, क्या नुकसान? अभी खा लें, अच्छी तरह खा लें, उसके बाद बताइए क्या नुकसान है। अच्छा डॉक्टर साहब चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी खा लो फिर मैं नुकसान बताऊंगा, तो जल्दी जल्दी खा के दिखाएं किस तरह खाते हैं जल्दी जल्दी। ओह वाह भाई वाह, कितने मजे से खाए इन्होंने, खाने पे मैं आपको गिफ्ट देना चाह रही हूँ। वाह भाई वाह, उन्होंने ना सोचा कि क्या नुकसानात होंगे, मैं खा लूं तो ज्यादा बेहतर है। जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा भाई, आज हमारा जैसे कि टॉपिक चीनी है, तो सबसे पहले मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि एक चम्मच चीनी जो होती है, एक चम्मच चीनी में कितनी कैलोरीज होती है? ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था भाई। सबसे पहले तो ये व्हाइट पॉइजन है। व्हाइट पॉइजन है? आप लिक्विड वाइट पॉइजन जब चाय जो होती है, आज रूटीन हो गया कि टी में गए, हर ऑफिस में, हर जगह बैठे आप, सबसे पहले चाय का कप आ जाता है। आप कहीं जाते हैं मिलने तो सबसे पहले पूछा जाता है क्या चाय पियेंगे या ठंडा पियेंगे। चाय में भी शक्कर डाली जाती है और ठंडे में भी शक्कर डाली जाती है। अब उसके नुकसानात एक लिमिट तक तो ठीक है, आपको एक टेस्ट के लिए डेवलप करना है। नेचुरली अल्लाह ने हमारे जुबान में टेस्ट बर्ड्स दिए, उसमें एक जो बर्ड्स हैं स्वीट के लिए भी है, बिल्कुल शोर भी है, स्वीट भी है, मुख्तलिफ है, चार तो पांच स्वीट जब टेस्ट बर्ड बना दी अल्लाह ने तो फिर हम कैसे मना कर सकते हैं मीठे को? नहीं भाई, मुंह भी बनाया है लेकिन खाने के लिए बनाया है, अनलिमिटेड खाने के लिए तो नहीं बनाया है। बहुत ही जबरदस्त बात हुई है, इसी बात से मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने कॉलर्स को भी शामिल करूँ कि अपने ही शो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ? मोमन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपकी आवाज भी बड़ी मीठी है।
मोहम्मद मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा नाम वैसे तो आयशा है लेकिन मुझे प्यार में ऐसे ना घर में सब चन्नो चन्नो बोलते हैं। चन्नो चन्नो ऑल चन्नो चीनी की हो गई ना चन्नो, चीनी की चन्नो, चीनी की खाला का नाम है चन्नो है? मेरा नाम मोहम्मद आज बहुत अच्छा टॉपिक है वाकई, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। मैं आयशा फैसलाबाद से हूँ, मुल्तान से नहीं हूँ। अच्छा भाई मुल्तान से नहीं है, फैसलाबाद से, चेंज करें जल्दी से। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल वाकई वाइट पॉइजिंग है। अच्छा मुझे तो ये पहले जल्दी से ये बताएं ना, आप इतनी खूबसूरत बातें कर रही हैं तो इतने मजेदार सा जवाब भी दें, नुक्ता चीनी करती हैं आप? बहुत कम, बहुत कम कोशिश करती हूँ कम ही करूँ, क्योंकि इससे किसी का दिल दुखता है, खराब होता है दिल, तो नहीं करनी चाहिए। नहीं वो तो नहीं करनी चाहिए ना, बट नुक्ता चीनी वो वाली भी तो होती है, जैसे कि आप मुझे बताएं कि जब आप दर्जी से कपड़े लेके आती हैं तो अगर आपके वहाँ पे बटन उसने गलत लगा दिए हो या शलवार की बजाय पजामा सी दिया हो, या तो उसकी शामत आ जाती है, ये फिर शामत आ जाती है। इस शामत पे हमने आपको दे दिया है नारी डॉट पीके की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग। सर मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूंगी, क्या आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मुझे कितनी इजाजत है आज चीनी खाने या ये जितनी सारी चीजें खा भी सकती हूँ कि नहीं खा सकती हूँ, आपकी इजाजत है तो फिर मैं उठूंगी यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जो शुगर है वो हमारी बॉडी की नीड्स में से है, हमारी बॉडी की डिमांड जो है वो शुगर की वजह से, हमारे अंदर जिस तरीके से इंजन चलने के लिए कोयले की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से इंसान के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, कई ऑर्गन जो है वो चीनी की बुनियाद पर ही जागे हुए होते हैं, और ये हमारी दुनिया की, हमारी बॉडी की ज़रूरत है। लेकिन हर चीज़ मुनासिब मकदार में अगर ली जाए, और हमारे अंदर जो पिंक्रियाज मौजूद है, हमारे अंदर जो लबलबा मौजूद है, वो उस चीज़ को यूटिलाइज करने की जो सकत रखता है या जितनी उसका वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में अगर लिया जाए तो हमें चीनी के नुकसानात के करीब नहीं आना पड़ता। ओके सर, आप खाते हैं चीनी, मुझे ये बताएं, देखिए मीठा पसंद है आपको? जी बिल्कुल, देखिए चीनी 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 आटा सब चीनी बनता है, मेरी चीनी बनना की जाए। क्या खाएंगी ये रहा, ये बहुत सारी चीजें खाएंगे, ये ले बंद कर ले, ये ले भाई ये ले, बहुत भरपूर तालियां शहनाज कबीर से भाई, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट। चीनी बंद नहीं करनी चाहिए मुझे, सब खाना आगा सब आप आज आके बंद कर ले, मुझे भूखा मत मारे, मैं कमजोर हो चुकी हूँ, चीनी ये सब कैंडीज मुझे खानी, मुझे अच्छी लगती है सब कैंडीज आपने खानी। आप बैठे तो ये मैं पूरा ट्रे पूरा झुकता नहीं करेगा। अच्छा मैं चीनी खाऊं, ये बहुत सारी कैंडीज कुछ नहीं होता, डॉक्टर कुछ भी नहीं कहते, कहते खाओ और सीधा चले जाओ, डॉक्टर साहब कोई बाई पास नहीं है। तस्वीर रखिए, अब तो डॉक्टर साहब मुश्किल हो गया है कि अगर हम इसके नुकसानात पे बात करें, जब नुकसानात पे बात करेंगे तो ऐसा करेंगे कि इनके सामने पर्दा पर्दा डालेंगे और नुकसानात के बारे में बात करेंगे। बेशक पर्दा डालें मगर नुक्ता चीनी ना करें, कोई नुक्ता चीनी ना, मुझे चीनी खानी है क्योंकि इजाजत दे दे कुछ नहीं होता इंसान। चीनी जाती तौर पे जो चीनी है वो सेहत के लिए नुकसान इतना नहीं है जितना इसके साथ जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप चावल ले रहे हैं, अगर आप गेहूं ले रहे हैं, अगर आप दूसरी चीज़ें ले रहे हैं और उसके साथ आप चीनी लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो जिस्म में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होते हैं। अच्छा। चीनी उनको उर्दू में हम कह रहे हैं ट्राइग्लिसराइड्स को, कि हलवेन बनाने में मदद करता है, और ये हमारे दीवार जिंदा रहो भाई। तो बुनियादी तौर पे जो मैं आपसे बात अर्ज करता इनसे इनके आने से पहले कि जैसे कोई हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है, शुगर उसकी लो हो जाए, किसका पेशेंट है हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें शुगर लो हो जाए, ग्लाइसीमिया इसमें शुगर कम हो जाती है, तो जाहिर बात है उस वक्त कैंडी या शुगर या ऐसी चीजें जो जेब में रखे हुए होते हैं तो उस वक्त उनके लिए चीनी नेमत होती है।
अच्छा ठीक है, अगर वो शुगर नहीं लेंगे सर, जैसे कि कोई बेहोश हो जाते हैं तो सबसे पहले उसको कहते हैं कि भाई चीनी पिला हाँ, दो खिला दो, चीनी का पानी पिला दो, बिकॉज आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है। वैसे आगा साहब मुझे ना इतनी मुश्किल मुश्किल बीमारियों का नहीं पता, इसलिए मैं नुक्ता चीनी नहीं करना चाहती ना। मैं नहीं पता है आप ये क्या बात हुई, आपने कभी नुक्ता चीनी नहीं की? नहीं की बिल्कुल, मुझे वो तो देखें इसके अंदर सबसे एक थ्रेशोल्ड होता है जैसे आगा साहब बता रहे थे जी, अगर ऊपर शुगर चली जाती दिस इज हाइपरग्लाइसीमिया, हाँ। अगर शुगर नीचे चली जाती दिस इज हाइपोग्लाइसीमिया, हाँ। हमारे ब्रेन को जो दिमाग है उसके अंदर एक शुगर की बहुत इम्पोर्टेंस है, हाँ। कि शुगर लेवल उसमें नॉर्मल होना चाहिए, अगर कम हो जाता है तो ब्रेन को हमारे शुगर नहीं मिलती। अगर ब्रेन सेल्स जिंदा ही जब रहते हैं, दिमाग के सेल्स जिंदा ही जब रहते हैं जब शुगर पहुंचती है, अगर शुगर नहीं पहुंचेगी तो इवन कोमा में जा सकते हैं और डेथ हो सकती अच्छा, है जी ओके, हाइपोग्लाइसीमिया में डेथ हो सकती है इवन, तो आपको इतना नहीं कि आप खा, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया में बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं। मुझसे ज्यादा तो आप स्मार्ट है उसके बारे में, नुक्ता चीनी की तारीफ हो रही है क्या? चलिए आज हमारा प्रोग्राम इतनी मिठास से भरा हुआ है, हम इतनी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, लेकिन अच्छा मुझे बताओ तुम्हें शौक है चॉकलेट्स का? और नहीं, मुझे कोई सालों हो गए, मैंने साल में कोई 3-4 बार मीठा खाया होगा, साल में 3-4 बार, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे ना क्रेविंग होती है ना मुझे कुछ फील होता है कि मुझे मीठा खाना है। और इतनी सारी चीजें होती है मीठे की, नो आई अच्छा मैं देर आर टू फोंडू भी हमारे पास, नो आई डोंट ईट चॉकलेट एट ऑल, कुछ फास्ट फूड जंक फूड कुछ नहीं, क्योंकि यू सी जो हमारा मीठा होता है वो फ्रूट्स में भी होता है, तो आप मीठे की राइट फॉर्म लें ना कि आप मीठे की ये वाली फॉर्म। मुझे याद आया आजकल जो है ना खरबूजे का सीजन है, खरबूजे और खरबूजे का ये इंजेक्शंस लगा रही है उसको मीठा करने के लिए, इसलिए कि देखिए ऐसा होता है जी ऐसा है कि हमारी जो डिमांड होती है बुनियादी तौर पर लोगों भी नहीं छोड़ा है, लोग जो है वो कहते हैं कि तरबूज मीठा होना चाहिए, देखिए ये कुदरत की बनी हुई चीजें हैं, अगर आप तरबूज को जिसको मैंने देखा है अमूमन मार्केट्स में वो तरबूज को पहले कट लगवाता है और हाँ। देखता है कि इसका कलरफुल है या इतना सा पीस वो जो निकाल के ना यूं निकाल के और तो फिर सजाते भी ऊपर रख देते हैं ना, वो बेसिकली जो है ना जम्स चाहिए मुझे, उसमें जम्स इतने ज्यादा आ जाते हैं वो ठेलों के ऊपर ऐसा रखा जाता है, तो अगर हम ये करें कि हम अल्लाह के ऊपर रिलाई करें जो अल्लाह का निजाम है, देखिए शुगर जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि शुगर हर बॉडी की नीड्स में से है, तो राइट शुगर अगर जैसे बहन ने भी कहा कि बुनियादी तौर पर अगर हम खजूर से मीठा हासिल करें बॉडी के लिए, इंजीर से अगर हम से अगर हासिल करें, किशमिश से या मुनक्का से अगर हम मिठास हासिल करें, तो देखिए मैं आपको एक 2 मिनट आपके लूंगा, ये शुगर की तारीख क्या है कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, आज से 250 साल पहले ये शुगर इस दुनिया के अंदर वजूद में आई, और वो वजूद इस तरीके से आई कि जो उस जमाने के हकीम होते थे वो अपनी दुकानों पर अत्तार जिसे हम कहते हैं ये शुगर या चीनी रखा करते थे, ये शुरू में स्टार्ट इस तरह हुई कि गन्ना सबसे पहले बैरुल काहिल के अंदर वजूद में आया और अच्छा। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर आया, तो इसमें गन्ने का जो जूस होता है उसको निकाल के कढ़ाई के अंदर कढ़ाया जाता है तो एक फॉर्म निकलती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, गुड़ हमारे पास मौजूद है कि जब हम गन्ने को उसका जूस निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसे कढ़ाई के अंदर डालते हैं तो ऐसे पीसेस बन जाते हैं जिसे गुड़ हम जिसे कहते हैं कि ये असल में रॉ फॉर्म है शुगर, तो ये जो है इसके अंदर क्रोमियम मौजूद होता है, ठीक है। ब्राउन शुगर जो है वो अगर एक शुगर पेशेंट भी एक लिमिटेड ले इसको गुड़ को तो उसके अंदर क्रोमियम होता है जो शुगर को बेहतर करता है और पिंक्रियास की डेवलपमेंट करता है, अगर हम उसको इस फॉर्म में खाएं। इतना जबरदस्त टोटका दे दिया है आप लोगों को, जो जिनको ये प्रॉब्लम है वो इस चीज को प्लीज नोट करें, और उस गुड़ का कोई नुकसान नहीं है, गुड़ का कोई नुकसान नहीं है का इलाज करना चाहते हैं वो सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि आप शुगर छोड़ दीजिए, ओके, लेकिन अगर वो क्रोमियम जिसके अंदर गुड़ के अंदर होता है वो क्रोमियम अगर ज्यादा से ज्यादा हम जिस्म के अंदर जाएगा तो राइट वे में आपका लीवर भी डैमेज नहीं होगा, और ये गुड़ की ये खासियत है
ब्राउन शुगर की ये खासियत है, अगर आप खुद ही गुड़ लेकर आ जाएं और इसी को क्रश कर लें तो ये ब्राउन शुगर बन जाएगी। अगर आप अपने ग्रीन टी के अंदर, आप अपने नॉर्मल टी के अंदर इसे आप डालेंगे तो इससे इंशाल्लाह ताला आपके पिंक्रियास पे कोई असर नहीं होगा, बल्कि आपके जो रगे हैं, आपके दिमाग है, उसमें तरोताजगी आएगी। तो मैं जो बात असल में बता रहा था कि ये दुनिया जब वजूद में आई तो सबसे पहले ये एक शक्ल के अंदर वजूद में आया आज से 250 साल पहले, और ये हाल था कि आज से 100 साल पहले अमेरिका की जो लोगों के बड़े जो अच्छे पोश हमारे नीचे नीचे मेहमान जो है नीचे नीचे तरीके से लेट तशरीफ लेके आ रहे हैं। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हकीम साहब? मेरा भी एक अदद सवाल है आपसे। पहले ये बताओ तुम्हारे इस चीनी में तुमने गुड़ डाला था या क्या? नहीं नहीं, नॉर्मल शुगर है, लेकिन क्या मतलब इतनी इतनी सी चीनी डालने से तो आई थिंक 50 कप भी लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी इतनी सी नहीं, आप दिन भर में अगर 14 या 12 प्याली चाय पीती है तो इसको आप 2 से आप कीजिए तो 24 चमचे हो गए ना। बात ये नहीं है, 24 चमचे। और ये मैं एक चीज बताऊं कि हम जो ड्रिंक्स लेते हैं, ये हम शुगर की बात कर रहे हैं, अभी इसकी नहीं कर रहे कि शुगर एक 250 ml कोल्ड ड्रिंक के अंदर 9 चमचे यानी कि 30 स्पून चीनी मौजूद होती है, जिससे तकरीबन 300 कैलोरीज हमको जिस्म के अंदर प्रोवाइड हो जाती है। इसी तरीके से जो बच्चे मैं इधर इसी से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ आपा से। आपा मुझे आप ये बताएं कि आपने इतना जो वेट रिड्यूस किया है, क्या गुड़ खा के तो नहीं किया आपने? इसमें आगा साहब का भी वो जो है किरदार है। मुझे लग रहा है कि ये मेरी जगह थी आपके पास। मैं इनके पास गई थी, इन्होंने कहा था कि इतना वेट अच्छा नहीं, और अच्छा बड़ा और पूरी रात सोई नहीं। लेकिन ये खूबसूरती जो है इसमें ही है, ये खूबसूरती इसमें ही है। लेकिन आपा वाकई में आपने इतना जबरदस्त, इतनी हसीन लग रही हैं आप, और इसका राज जो है मैंने हीरोइन बनने के चांस इसका राज इसका अच्छा नहीं आपा मोबाइल को राज नहीं लेना है बिल्कुल, अब इससे भी ज्यादा पसंद होगी। इतनी प्यारी है, इतनी स्मार्ट है। मैं आपको क्या आप बताइए, आप लेती हैं शुगर या नहीं लेती हैं? मैं शुगर के बगैर रह ही नहीं सकती। नहीं, वो तो इंसान नहीं रह सकता, मर जाएगा बगैर शुगर के। चीनी कल की बात बताऊं मैं कि मेरी दोस्त ने आई हुई थी घर पे और कॉफी ऑर्डर की, उन्होंने स्किम मिल्क कॉफी एंड दिस एंड दैट एंड ब्राउन शुगर। आई एम लाइक पड़े हटो यार, मैंने तो नॉर्मल चाय पीनी है, 2 चम्मच सफेद वाली चीनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि हम लोग आ रहे हैं वापस गुड़ की खासियत पे, तो हम अपने चाय में भी गुड़ वुड़ डाल सकते हैं उसको मीठा करने के लिए? जी बिल्कुल, जो पंजाब में पाकिस्तान में हमारे ज़्यादातर एरियाज हैं वहाँ पर यही गुड़ जो है चाय में भी यूज़ होता है, और हाँ। मीठा जो बनते चावल जिसे हम जर्दा कहते हैं, वो जर्दा भी जो है सिर्फ गुड़ से बनाया जाता है। डॉक्टर के हिसाब तो, क्या बता रहे हैं आप, सुबह सुबह तो पानी आ रहा है मेरे गुड़ के चावल, गुड़ के चावल बहुत मजे के, मेरी फुफ्फो बहुत मजे की बनाती थी। 100 साल पहले अमेरिका के अंदर एक आदमी चावल बनते थे, नहीं गुड़ के चावल नहीं, एक आदमी की जो सैलरी होती थी वो आधा किलो चीनी के बराबर होती थी, यानी कि आधा किलो चीनी की इतनी वैल्यू थी कि जब आप किसी अत्तार की दुकान पे अगर जाते थे एशिया में अरब, क्योंकि जो चीनी है इसको इंट्रोड्यूस करने में दुनिया में अरबों का बहुत बड़ा हाथ है। अरब जो है जब वो अरबों के लिए तालियां भाई थी, क्योंकि जब ये लोग सफर करते थे तो ये गन्ने के पौधे जो है इन्होंने ईरान तक पहुँचाए, और ईरान के अंदर चीनी इंट्रोड्यूस करने में इन्हीं अरबों का हाथ है। और उस ज़माने में अत्तार के पास जब कोई मरीज जाता था किसी हकीम के पास, तबीब के पास, और वो बहुत नकाहत और बहुत ही कमज़ोर होता था, तो उसकी नकाहत दूर करने के लिए उनको 1 तोला यानी कि एक तकरीबन 5 या 10 ग्राम के करीब चीनी दी जाती थी कि आप इसको पानी में घोल के पी लीजिए, इससे आपको ताकत आएगी। और ये बिल्कुल ट्रू बात है कि शुगर जो है इसका शरबत जो हम अमूमन आप देखें हकीमों के पास शरबत होते हैं, शरबत उन्नाब है, शरबत गुलाब है, शरबत बजूरी है, इन सब का जो बेस होता है वो असल है तो बात ये जमाना है स्मार्टनेस का। इस स्मार्टनेस में मैंने तो बना दिया कि इंसान को जिंदा रहना है, स्मार्ट रहना है, प्रेजेंटेबल रहना है, तो पतला रहना है। क्रेविंग नाम
की भी तो चीज होती है, मुझे भी तलब है जो तलब होती ना, मैं तो बता नहीं सकती। मेरी अम्मी चीनी और मीठे के बगैर रह ही नहीं सकती। आप एक हर रोज उनको मीठा चाहिए। आप सुने, ऐसे लोगों के लिए बताया। प्लीज वेरी सॉरी, आप भी खड़ी होइए। मैं भी खड़ी हूं। आप भी आइए। ओके ठीक है। स्मार्टनेस का जमाना है। आप लोगों से लोग इंस्पायर होते हैं। आप लोगों को देखते हैं। शुगर का मतलब ये है वेट गेनिंग। क्यों वेरी सॉरी, मेरा तो ख्याल ये है। जी जी, मैं काफी देर से सवाल करना चाह रही हूँ। चले आप शुगर ले जा रहे हैं, जैसे मोमल ने कहा कि शुगर के बगैर वो रह नहीं सकते। बाकी कुछ लोग होते हैं जो नहीं छोड़ सकते, मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि आप क्यों ना एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, ताकि वो शुगर आपकी खत्म हो जाए। बिल्कुल। मुझे बताएं कि हमें खड़ा क्यों किया है। इसलिए कि आपको मैं चलवा के दिखा रहा हूं, आप लोग अच्छी लगेंगी। अगर आपका वेट गेन होगा, आप आइए जरा। आपको चलने में अगर सीढ़ियां चढ़ेंगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। जाहिर है मोटापा होगा तो सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम तो नेचुरली, एक नेचुरली एज भी है, वेट भी है, सब कुछ है। लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या चाहते हैं, मैं रास्ते में रोती भी जाऊं? एज भी है, वेट भी है। आपको देखे लोग देखेंगे कितनी ट्रिम कर लिया है उन्होंने, अपने आपको कितना स्मार्ट कर लिया है। देखिए वेट 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 का मतलब है डेथ। सही, बिल्कुल। मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, ओवर वेट मींस डेथ। आपने क्रॉस किया 35, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम औरत के अंदर, सारा प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस हो जाता है। मर्दों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए नहीं, ज्वाइंट्स प्रॉब्लम। और उसके बाद वो एक्टिव ही नहीं रहेगा, वो अपना वर्किंग ही नहीं कर पाएगा। आपने जो वर्किंग करता है ना, लड़कियां देखने का और मोहल्ले की लड़कियां देखने का, वो वर्किंग बंद। सुने, उसको मोहल्ले की लड़कियां देखना बंद कर देगी, उसको खुद भी देखना बंद कर देगी। कौन आएगी तो कौन देखेगा, कौन देखेगा। इस मजेदार बात पे और इस मजेदार बात से हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि गुर पे हमने भी बहुत सारी बातें पूछनी है, काफी सारे टोटके और टिप्स हमने हासिल करने सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये शो है आप लोगों का। We'll be right back! तीन चार दफा बोल दो। भाई कहाँ रह गए आप लोग? जी वेलकम बैक टू सुबह सवेरे। लेकिन आज हम कर रहे हैं बहुत सारी मीठी मीठी हाँ, और सुने हेलो, सिर्फ बातें नहीं, हमने खाना भी खाना है। यहाँ पे क्या खाना खाना है? अगर मीठे की बातें हो रही तो मीठा ही खाएंगे ना। जर्दा खाना है, वही तो फरमाइशी प्रोग्राम लग रहा है मुझे, जर्दा खाना। और क्या खाना है? एक सेकंड ऑर्डर ले लेती हूँ, मैं वेटर बन जाती हूँ। हाँ जी मैडम, क्या खाएंगी आप? और क्या खाएंगी? हाँ खीर खाएंगी, आप क्या खाएंगी? आइसक्रीम खाएंगी, आप क्या खाएंगी? जर्दा खाएंगी, आप क्या खाएंगी? गुड़ की चाय, आप क्या खाएंगी? एक कप चाय। मींस की यार ये होस्ट से बन गई हूँ मैं आज, वेट्रेस कोई नहीं। भाई अगर मुझे वेट्रेस बना ही दिया है तो अब ये जो वेट्रेस है चाह रही है कि एक छोटा सा गेम खिला दे, ठीक है ना? गिफ्ट किसको जीतना है? ओ वह सब सबको जीतना है, तो फिर सब तो जीत नहीं सकते। आप आ जाए, जल्दी से आ जाए, आप भी आ जाओ। और कौन आएगा, और कौन आएगा, और कौन आएगा, और कौन आएगा, और कौन आएगा? आप भाई आ जाओ। अच्छा अभी भाई एक सेकंड बैठो, आए आए, अब आप आए, अब आप आए। तीन और कौन आएगा? आप आ जाए। नहीं नहीं आप आप आप
अच्छा भाई आपा इधर आए ना, मेरी थोड़ी सी मदद करे ना, इससे पहले सारे मुझे ना पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर करके पता नहीं कहाँ से क्या बना उधर देखिए। अच्छा नहीं नहीं हमारे पास हो गए चार हो गए प्लीज बैठे अभी नेक्स्ट गेम के लिए आपको बुलाऊंगे। अच्छा भाई अब हमने इधर आ जाए दो इधर आ जाए ठीक है ना, इधर आए आप। अब आप हमारा जो गेम है हमारे लड्डू वो रे भाई मन के लड्डू खाएं बहुत अच्छे लगते हैं ये रे हमारे लड्डू ठीक है ना। आप क्या कराएं लड्डू के साथ हम बस खाना बस खाने शुरू कर दे लड्डू खाने शुरू कर दे हाँ, कुछ नहीं होता एक के बाद एक खाना शुरू कर दे खाए जो भाई कोई नुक्ता चीनी नहीं करेगा कोई नुक्ता चीनी नहीं करेगा और जो जबरदस्त तरीके से दो दिन तक डाइटिंग कर लेंगे तोहफे के लिए दो दिन तक डाइटिंग कर लेंगे लेकिन अब लड्डू को नहीं छोड़ेंगे। तो भाई सीन ये है कि बता दूं या बताए ना नहीं, आप बताए फिर मैं फॉलो कर। अच्छा चले ठीक है मैं बताती हूँ ना कि लड़के बताना क्या है यार लड्डू खाना है और क्या करना है कुछ नहीं होगा लाओ मैं देती हूँ इनको चलो मैं खाओ लड्डू ये शुरू करो बस तुम एक सेकंड भाई टाइमर शुरू है 2 3 1 go jaldi ali jaldi ali oy ho jaldi ali ji ji aapki partners hai ye alag alag khane jaldi ali एक सेकेंड 3 2 1 जल्दी से खत्म टाइम ओवर चार खाए इन्होंने चार लड्डू ठीक है ना। अब महीने भर का खा लिया महीने भर के लड्डू खा लिया अब जल्दी से इस टीम पे आ जाए हम नहीं करना चाहती लेकिन आपकी टीम मेंबर यहाँ पे मौजूद है चाहे वो खाएंगी। आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ जी एक कहाँ जा रहे हो गिव अप खाएंगी कि नहीं खाएंगी बस खत्म दो हो गए तीन हुए चलो तीन हुए बस खाई नहीं जा रहा भाई तालियां एक मौका आपके पास है। ये मेरी बहन इधर आ ये लड्डू है ना ये लड्डू तुम्हारा फ्यूचर है। इन अगर चार लड्डू की बजाय तुमने पांच लड्डू खा लिए ना तो तुम्हारा फ्यूचर ना ब्राइट है। खाओगी करना है ब्राइट रेडी 1 2 3 गो वन कम ऑन यहाँ पे हमारी विनर जो है मौजूद है इन्होंने भी गिव अप कर दिया है और हमारी अर्शी हमारी यहाँ की आज की विनर है। तो माई डॉट पी की तरफ से ये आपकी तरफ प्लीज अर्शी लगे आप ये क्या आप खाएंगी नहीं तो आप नहीं खाएंगे मेरे हाथों से मेरे शूट पे पहली बार आई मीठा नहीं खाई तुम्हारा हाथ बनता है लाओ तुम्हें खिला नहीं मेरा तो हाथ बनता है आपको खिला मुझे डॉक्टर ने कहा पूरी बात ऐसे नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा आप खाएंगे डॉक्टर साहब मुझे चीनी कम है मैं नहीं खाऊंगा मुझे इसी सवाल से मैं आप इतना मना क्यों करते हैं हर कोई मना करता है हमने नहीं खाना लेकिन घर के पीछे भाई यहाँ पे भी तो सुन ले कि क्या हो रहा है लेकिन घर में आप छुप छुप के सारे जो है ना मुझे पता है आप मीठे खा रहे होते नहीं मीठा इतना खाएं मीठा सुन्नत रसूल है आप इतना खाएं जितनी आपको जरूरत है आप उसका टेस्ट डबल नेचुरली इतने टेस्ट आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं एक से एक चीजें आ गई हैं हर चीज का दिल चाहता है आपका नेचुरली ह्यूमन नेचर है मीठा खाने की लेकिन अगर आप इसको रोकोगे नहीं एक लिमिट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। आप इतना खाओ जितनी जरूरत है बस अब उसने एक बच्ची ने खाया उसको नेचुरली वॉमिटिंग नोजिया डेवलप हो गया अब वो तो एक तगड़ी खातून लग रही थी वो ठक 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 खा गई माशाल्लाह तो वो तो माशाल्लाह पता नहीं कहाँ गए उनके लड्डू गायब हो गए
लेकिन जो एक थोड़ी हैवी खातून थी देखें वो बच रही थी, उन्हें पता था ये मेरे लिए नुकसान दे खतरनाक चीज है। आज मैं तोहफा भी नहीं लेके जाऊंगी, मैं अपने वेट भाई इतना होता है कि भाई उनको ये लगा कि मुझे तोहफा भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई, सेफ के आगे कुछ चीज थोड़ी चाहिए। मां तुमने कितने लड्डू खाए हैं अपनी जिंदगी में? नहीं यार मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती। देखा शादी का लड्डू तो तुम खा चुकी हो। हाँ हाँ जी वो मैं खा चुकी हूँ, बस वही काफी है मेरे लिए। लव मैरिज? कितना मीठा है? नॉट रियली एक्चुअली, इट वाज़न्ट अ लव मैरिज। अच्छा, वाज़न अरेंज्ड मैरिज। अरेंज्ड लव। मेरे ख्याल से मुझे जो है ना यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हाँ अच्छा जल्दी से बताओ ना यार। हाँ मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मैं मीठे में सिर्फ चॉकलेट्स वगैरह थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, उसके अलावा जैसे मिठाइयाँ कोई और स्वीट्स हो गए वो आई कांट हैव दैट, वो मुझे नहीं खाए जाते। तो तुमने चॉकलेट फोंडू खाया कभी? खाए अभी होगी? तुम बोलोगी अगर कि खा लो तो ये नहीं होना चाहिए। आज तो मेरे सबको यूं पकड़ के रखा हुआ है। आजकल मैं वैसी बहुत मोटी हो रही हूँ, लड्डू खा के तो मोटी थी। अच्छा अच्छा मैं बात करना चाह रही हूँ सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मेरा बड़ा एक मेजर सवाल ये कि ब्राउन शुगर और वाइट शुगर में क्या फर्क है और लोग इतना ब्राउन शुगर की तरफ क्यों जा रहे होते हैं? फिर ये साइकोलॉजिकल बन जाता है आपके दिमाग में कि हम ब्राउन शुगर नहीं, खा रहे तो हमारा वेट नहीं गेन होगा? देखिए बात ये है कि वाइट शुगर जो है उसकी प्रोसेसिंग जो होती है उसमें सबसे पहले चूना शामिल किया जाता है उसको साफ करने के लिए, उसके बाद उसमें कोयला शामिल किया जाता है, कई केमिकल जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिससे उसकी मिठास मजीद बढ़ती है। Okay. और वो साफ़ करने के लिए उसमें, क्योंकि जब इसको प्रोसेस में डाला जाता है गन्ने के रस को तो ये पहले ब्राउन ही होता है right. और ब्राउन शुगर ही होती है, उसके बाद इसको प्रोसेसिंग केमिकलाइजेशन करने के बाद इसको वाइट करके और ज़्यादा इसको पावरफुल बनाया जाता है। दिस इज़ शुगर। अब आ रहे हैं गुड़ की तरफ। गुड़ का ये होता है कि सिंपल रॉ जो होता है, यानी ब्राउन शुगर एक ही चीज़ है? नहीं, वो ब्राउन शुगर वाइट बन जाती है क्योंकि वो प्रोसेसिंग में होती है। ठीक है। गुड़ जो है गुड़ इस तरह बनता है कि आपने जो गन्ना होता है उसका रस लिया और रस लेने के बाद उसको बहुत बड़े कड़ाह, आपने देखा होगा पंजाब जाते हैं बड़े बड़े कड़ाही होते हैं तो उसमें वो पकाते रहते हैं और उसमें जो ऊपर जो कचरा सा था बस उसे निकाल देते हैं और उसके बाद उसको गरम गरम जो है उसको छोटे छोटे वो बना देते हैं, ये गुड़ बन जाता है इसकी। तो उसमें होता ये है कि जो ब्राउन शुगर है जिसे हम गुड़ की चीनी कहते हैं उसके नुकसान उसकी शुगर के तकरीबन 50% कम होते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ब्राउन शुगर जो है उसमें क्रोमियम भी शामिल होता है जैसे मैंने अभी पहले अर्ज किया। दूसरी बात ये कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया गया उन साहिबा ने चार लड्डू खाए। देखिए जो शुगर का पेशेंट है और जो शुगर का पेशेंट नहीं है, आप जब शुगर का इंटेक जितना भी लें उसके साथ साथ अपनी वॉक बढ़ा दें। शुगर जो बॉडी के अंदर जो है जलती है या बर्न होती है वो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग से ट्रेडमिल के ऊपर या जो भी अंदाज आपका हो उसके में आप यूज करें और उसको जलाने की कोशिश करें। तो भाई आसान सा ये हल है, उन लोगों के लिए जिनको मीठा पसंद है वो मीठा भी खाएं और वॉक भी करें, खूब वॉक करें खूब मीठा खाएं, जिंदगी हेल्दी रहेगी, खुशी खुशी रहेंगे। हमें ये गलतफहमी ये है कि शुगर से जो है खाने से ज्यादा लेने से हमें डायबिटिक हो जाती है। ठीक है, हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। डायबिटिक का जो अभी नई रिसर्च है फ्रांस में जो इस पर रिसर्च हुई है कि डायबिटिक जो पेशेंट ज्यादातर बनते हैं वो डिप्रेशन और टेंशन से ज्यादा बनते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वजूहात बहुत हैं। जहां तक ताल्लुक है अगर हम आए कि आया ये जो वाइट शुगर है ये क्या है, वाइट शुगर अगर ज्यादा से ज्यादा दिन भर में 6 टीस्पून से ज्यादा ली जाए तो वो जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा कॉर्टिजोन बनाती है और यही शुगर हमारे जिस्म के अंदर कॉर्टिजोन बना के हमारे मैदे के अंदर अल्सर पैदा करती है और यही शुगर जो है हमारे गुर्दों के लिए नुकसानदेह है और यही शुगर ग्लूकोजीन जो लीवर के अंदर बनती है जिगर के अंदर बनती है उसमें इजाफा करके और हमको हेपेटाइटिस की तरफ लेके जाती है और यही शुगर जो है हमको जब जिगर का फंक्शन खराब होता है तो हमको ओबेसिटी की तरफ ले जाती है और ये ओबेसिटी है। ओ माय गॉड, आज से शुगर बंद। नहीं नहीं नहीं, शुगर नहीं, शुगर तो बंद। ये फिल्मी अटैक है, कोई इसे मेरे बात नहीं। I swear. उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आज का टॉपिक भी आपका बहुत अच्छा। आज खूबसूरत लग रही हूँ क्या क्या मतलब है? आज मेकअप ज्यादा हुआ मैं इसलिए खूबसूरत लग रही हूँ? आप बहुत अच्छी हैं, वैसे भी अच्छी हैं, लेकिन आज भी अच्छी लग रही हैं, लेकिन आज आपका टॉपिक है ना जो वो भी बहुत आपकी तरह मीठा ही है। आई सो स्वीट, थैंक यू सो मच। बस आज जो मैं खूबसूरत लग रही हूँ वो शानाबाजी बनाती हैं और अलिया जो
सामने वाला ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो बंदे में फीलिंग आती है, वो बोलते तो हैं मुझसे अच्छा लग रहा है, तो वो तो जाहिर है उसे बात तो लोग फेस टू फेस भी कह देते हैं कि यार आपने कमीज जो है ये लॉन्ग सिलवा ली आपकी, आप ये कर लेते वो कर लेते हैं। नुक्ता चीनी की बातें कर रही है। हाँ, चीनी कम है। अच्छा, जल्दी से चीनी के ऊपर कोई गाना आता है आपको? अगर हाँ, आप गाना सुना देंगे सुबह सुबह तो और मजा आ जाएगा। चीनी पे तो मुझे नहीं। दाल चीनी गाना है ये, गाया है कभी किसी ने दाल चीनी दाल गाना बनाया मैंने याद है। थैंक यू सो मच। और मेरे पास एक और कॉलर है, और अनम मेरी है जो कॉल है वो रिसीव करेंगी, तो ओवर टू अनम। हाय, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? कमल बात कर रही हूँ, कराची से। कैसी हैं आप कमल? चीनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नुक्ता चीनी के बारे में क्या ख्याल है, करती हैं आप नुक्ता चीनी? देखें, आजकल चीनी तो बहुत महंगी हो रही है। ओ ये तो चीनी महंगी हो रही, चीनी खाना बंद कर दे। मैं हाँ ये करना, एक हफ्ता तो बचा। वैसे जब चीनी महंगी हो रही है बंद भी कर दी। आजकल चीनी इतनी महंगी है तो लोग नुक्ता चीनी पे आ गए हैं। बिल्कुल सही बात, जबरदस्त बात की है ये। क्या बात की है जबरदस्त। चीनी महंगी हो गई है इसलिए लोग जो है नुक्ता चीनी कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि चीनी को चीनी की हद तक ना देखें। आप टमाटो केचप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें शुगर है। आप केन के जितने भी डब्बा बंद चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें शुगर है, चाहे वो खाने हो, चाहे वो जैम जेली हो, चाहे वो अचार हो, मजे की बात है। तो उसके अंदर भी प्रिजर्वेशन के लिए जो है हम लाजमी चीनी डालते हैं। इसी तरीके से जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, जितने भी बिस्किट्स हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज हैं, उसमें भी मौजूद है। अब तो डाइट भी आ गए, डाइट बिस्किट्स आ गए। सर, इसी बात पे एक कॉलर अगर आप ले लें तो कितनी अच्छी बात होगी ना जी। प्लीज, हेलो, अस्सलाम लेना जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है, कहाँ से? मैं फरिया बात कर रही हूँ, कराची से। जी फरमाइए जी, मैं मोगल से बात करना चाहती हूँ। ओवर टू फरिया, मैं यहीं पे हूँ। फरिया क्या हाल है, कैसी हो, क्या करी थी, गपशप करते हैं मैं और तुम, छोड़ो शो को। और बहुत पसंद करती हूँ आपका शो, बहुत अपना काम जल्दी जल्दी निपटा के, सुबह सुबह जल्दी से उठ के और सारे काम निपटा के आपका शो देखती हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है आपका शो। कुछ कैलोरीज लूज करती है। अल्लाह मियां ने फजर की नमाज में उठाया हमें, और फजर में उठाया इसलिए कि हम थोड़ा सा एक्टिव रहे। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला को याद करते हैं, उसके बाद जब किचन में जाते तो हमारी एक्सरसाइज वैसी ही पूरी हो जाती है कि ओके। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग अब लोग आदत डालें, हमारा बैठने का स्टाइल जो ना लटक के बैठते हैं, थोड़ा स्ट्रेट बैठे, स्ट्रेट खड़े हो, किचन में भी खड़े हो। मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ना अभी डिस्क्लोज नहीं करना, हम जा रहे हैं जरा थोड़ा सा सस्पेंस में ले आते हैं ना, क्लाइमेक्स में ले आते हैं, ठीक है? और फरिया तुम भी मेरे साथ रहना, ठीक है? और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, और बहुत अच्छी बातें की है तुमने, सो थैंक यू सो मच। लेकिन सस्पेंस ये है कि एक्सरसाइज की क्या पोजीशंस होती हैं, और मीठे खाने के बाद इतना वेट जो आप लोगों का गेन हो गया उसको लूज करने के तरीके जो हैं वो आपको पता चलेंगे, जो बैठने का जो पॉस्चर है वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। तीन चार दफा बोल दो, जी नाज़रीन, वेलकम बैक सुबह सवेरे। जाते जाते बात हो रही थी कि पोस्चर्स के बारे में, तो डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि अगर आप हमें बताएं इसमें से दो खवातीन उठे उनको जरा सा
देखिएगा, कैमरा लेके जाइएगा, कैमरा लेके जाइएगा, आप आए कोई भी एक दो, एक कोई भी खातून आ जाए, कैमरा देना यार। हाँ आराम से जी डॉक्टर साहब, कैमरे के साथ क्या करना है? नहीं आए आए आए, कैमरा लेके जाइएगा, फिर क्या करूँ? नहीं मैंने कहा इनको देखना था कि किस तरह। अच्छा देख रहा था, आपने कहा कैमरा लेके जाइएगा तो मैं कैमरा लेके आ गई। आप नॉर्मली जब ड्रामे देखती हैं किस तरह बैठती हैं? ऐसे ही बैठती हैं बिल्कुल इस तरह। अच्छा और नॉर्मल रूटीन किचन वगैरह में काम करती हैं तो कैसे करती हैं? अब कोई यहाँ पे खड़े होकर किस तरह करती हैं? हाँ अच्छा अब आपको बताएं, और कोई आए खातून? कोई थोड़ी हैवी सी खातून है, एक ही हमारे पास माशाल्लाह है। आइएगा कूदती भी आइएगा, नहीं तो बेचारी आराम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपको कोई वजन? सैड क्यों लग रही हैं आप आंटी जी? हाँ ये हुई ना बात, तालियां भाई। सैड करनी है ना। आपका जो रूटीन है वजन से आपको कोई प्रॉब्लम होती है? माशाल्लाह रेगुलर कितना वॉक करती हैं? आधा घंटा करती हैं। एक सेकेंड हैंड माइक तो दूं मैं। और आप बैठती हैं किस तरह बैठती हैं? ये लीजिए आप बैठती हैं नॉर्मली चेयर पे बैठ के बताएं किस तरह बैठती हैं नॉर्मल रूटीन में? अपने आप को टिकाती हैं या सीधा बैठती हैं? वंडरफुल चले वंडरफुल। अच्छा एक खातून उन्होंने दिखाई, आप आइए, आप उधर से उछलती भी आइएगा, इधर से नहीं आइएगा, इधर से बीच में से आइए। उन्हें देख ओए होए ये तो वाकई में उछलती है, ये गिरी। देखिए देखिए देखिए, वेरी सॉरी, आप इधर आ जाए, आप बैठिए। आपको कोई प्रॉब्लम है वेट से? वही प्रॉब्लम जो माइक पे, माइक पे, माइक। मैरिड हैं आप? हाँ माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? चार। अच्छा वजन कब बढ़ा था आपका? कितने बच्चों के बाद बढ़ा था? उसके बाद बढ़ा था। कैसा फील होता है कपड़े? दिल चाहता है कि मैं दुबली हूँ, पतली हूँ, स्मार्ट हूँ? हर इंसान का दिल चाहता है वो स्मार्ट हो। अच्छा बहुत कोशिश भी करती हूँ। मियाँ आपको क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं ऐसी अच्छी लगती है। अच्छा देखिए ना आप इधर आ जाए, बहन आप इधर आइए। देखिए आपने रूटीन्स को सही कर दिया। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रूटीन नेचुरली वेट तो एक गंदी चीज़ है, मैं तो उसको गलत चीज़ कहता हूँ और हर आदमी मानता है। वजन से आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है। आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लें, महंगे से महंगे कपड़े पहन लें, आप पे जचेंगे ही नहीं जब तक आप ट्रिम नहीं होंगे। हम टीवी पे देखते हैं, माशाल्लाह होस्ट को देखते हैं, अपने चैनल्स पे देखते हैं, उन्होंने अपना वो कितना ट्रिम किया होता है, उन्होंने तो कुछ हद से ज्यादा भी किया हुआ होता है। सब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें तो 10% आप लोग हैवी आते हैं, नहीं करेंगे तो वेट कम करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अपने रूटीन लिए अपने पोस्चर्स को सही रखें। जैसे आप बैठती है ना, आप बैठे तो आप स्ट्रेट बैठे, अपनी कमर को टिकाए नहीं, आपने यूं करके जो कुब निकाल के बैठते हैं, हमारे लड़कियां आती हैं और कुब निकला हुआ होता है उनके, उनके आहिस्ता आहिस्ता इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि उनका सारा चलने का, से चाहे हसीन लड़की हो लेकिन अगर वो बैंड करके चलेगी तो बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगा। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन जी है जी। जब हम यूँ बैठते हैं ठीक है, और कभी कभार हम झुक जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हम यूँ तो बिल्कुल भी नहीं बैठते, और ये सच बात है, कोई यूँ नहीं करके बैठता कि ना हैबिट बनाए ना अपने, रूटीन बनाए अपना। देखिए आप मैं बता रही हूँ, आप मेरा क्वेश्चन ही है डॉक्टर साहब, यूँ करते करते ना यूँ भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए होता है कि आपकी बॉडी को आदत ही नहीं रही है, आपकी बॉडी को आदत ही नहीं रही है। आप बैठेंगे, आप बैठे ना यूँ करके बैठ सकते हैं थोड़ी देर, और रूटीनली चलो थक गए ग्रेजुअली अपने आप को, ये पोस्चर अच्छा लग रहा है, ये आप अपने टिका के झुका के बिठाएं अपने आप को, हाँ यूँ ये अच्छा लग रहा है। आप बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है आप? हाँ आपको कहना चाहिए जैसे भी पोस्चर आप अच्छी लग रही है। अच्छा नहीं, आपसे बताएं। दूसरा रूटीनली हमारे यहाँ खवातीन में स्पेशली कोई भी टीवी प्रोग्राम देखना है, ड्रामा देखना है, वो बैठ जाती हैं, बस वो आई और पैर उन्होंने ऊपर रखे और ऊपर बैठ के टिक के बैठ गई। डॉक्टर साहब लेट के, हाँ लेट के। वो तो लग रहा है लेट के देखती है। वो रूटीन आप लोगों को खत्म करना पड़ेगा। अगर आप लोग घर में अपने आप को नॉर्मल रूटीन में पोस्चर्स ही अच्छा कर लें, जैसे हमारे फौजियों के पोस्चर्स होते हैं, और नमाज क्यों नहीं बैठ के की, नमाज खड़े होके करवाइए, अल्लाह ने रेगुलरली 5 दफ़ा करवाइए, कंटिन्यूसली करवाइए, इसीलिए आप अल्लाह ने बॉडी आपकी ऐसी बनाई है कि आपको स्ट्रेच होना है, ठीक है ना, वरना बैठ के पढ़ा रहे, खड़ा होना है, झुकना है, रुकू में जाना है, सजदे में जाना है, तो दिस इज योर रूटीन, आपको स्ट्रेस करना है, तो ये पोस्चर्स अपने सही रखें और कोशिश करें लेटने में भी, लेटने में भी क्या आप स्ट्रेट लेटें,
तो सिर्फ मीठे का जो है वो नहीं होता, आपको अपनी एक्सरसाइज, अपना ध्यान, अपने पोस्चर्स, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखेंगे तो आपकी लाइफ जो है मजे से गुजरेगी। थैंक यू सो मच, प्लीज तशरीफ लगे और भरपूर तालियां भी आपसे। कैसे जाएंगी? नहीं, भाग के नहीं गई है। अच्छा भाई, ये तो हमारी हो गई कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ पोस्चर्स जो कि इतनी अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया। अब जो ये सर हमें आप बताएंगे कि इतनी सारी जो हमारी मीठी चीजें यहाँ मौजूद है और हमारा बोर्ड लगा हुआ है चीनी के नुकसान, तो आपने बताना है कि ये जो है इतनी सारी मीठी मीठी चीजें जिसमें मिठाई भी है और गुड़ के, ये कुछ मेरे तो सबसे फेवरेट ये है ना, इसको कहते क्या है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जैसे पट्टियां पढ़ लेते हैं, ये बस ये मेरे ख्याल से फली वाली चॉकलेट कहलाती है। पापड़, इसको पापड़ की पापड़ी, नहीं पापड़ी नहीं है। जो इससे इसका जवाब देगा सही उसको मिलेगा तोहफा। चिक्की, चिक्की कहते हैं, वेरी गुड, ये तोहफा आपका हो गया स्किन केयर की तरह से। ठीक है, तालियां भाई। देखिए अब आपने बताना है इसके नुकसान क्या है, क्योंकि ये है मेरी फेवरेट चीज, अगर मैं इसको हर रोज खाऊंगी तो मैं इतनी मोटी हो जाऊँ। देखिए, इसके मैं सबसे पहले एक फायदा बता देता हूँ। हाँ। कि ये अगर टॉफी जो है गुड़ में बनी हुई हो और इसके अंदर मूंगफली हो और उसको सिर्फ बहुत कम मिकदार में, कि आप में कम से कम 100 कैलोरीज आपके जिस्म में जाए, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, कम हो, क्योंकि मूंगफली की ये खासा है कि आप उसका स्प्रेड बना लें जैतून के तेल में या गुड़ के अंदर, आप उसकी चाशनी डाल के अगर आप मूंगफली का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर माएँ जो हैं वो हर वक्त परेशान रहती हैं। मेरे पास तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं MBBS, उनका बच्चा भी आया। हाँ। और उन्होंने ये शिकायत की कि हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता और सुबह से लेकर शाम तक के ये बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत दूध ले लेता है, बाकी कुछ नहीं लेता। तो जब मैंने रूटीन पूछा तो कहा कि साहब ये चॉकलेट, बंटीज, लॉलीपॉप जो चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें वो इतनी खा लेता है दिन भर में कि उसकी जो डिमांडिंग कैलोरीज हैं उससे ज़्यादा तो ये प्रोवाइड कर देती हैं। और डॉक्टर साहब, वो बच्चे जो घर में ही बैठे हुए होते हैं और पूरा दिन मीठा खा रहे होते हैं, चॉकलेट्स खा रहे होते हैं। हाँ। ये हमारे जैसे पास हमारे पास आइसक्रीम पड़ी है, ये खा रहे होते हैं, क्योंकि मेरी भी नीस है, वो माशाल्लाह से वो शी ईट्स एवरीथिंग और मीठा, तो ये सब चीजें। और ये माएं जो है इनका बहुत ही बड़ा सवाल है आज के हमारे शो पे, वो ये कि बच्चे जो है खाने से ज्यादा हेल्दी फूड से ज्यादा मीठे की, जंक फूड और मीठे की तरफ जाते हैं, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स, और कि वो इंडोर जो है हमारे इंडोर गेम्स जो है वो ज्यादा खेलते हैं बनस्बत आप आउटडोर गेम्स हो गए आपके। देखिए, बड़ी परेशान है मेरी जो है ना सहेलियां माएं जो है, तो आप जल्दी से कोई बताएं। देखिए, आइसक्रीम के लिए मैं आप सबसे पहली और बेसिक चीज बताऊं कि जो आइसक्रीम है इसके अंदर जो कलर डाला जाता है, इसमें प्रिजर्वेशन केमिकल जो डाले जाते हैं, जो क्रीम डाली जाती है जो बड़ी कंपनीज की होती है, वो सब 90% कैंसरेशन डेवलपमेंट कर रही हैं। हमारे माशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो बहुत तेज़ी से कैंसर फैल रहा है, उसकी वजह हमारी ये बड़ी कंपनीज के आइसक्रीम्स हैं जो कि ये सब चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, और बच्चे अमूमन कलर की वजह से, कलर की वजह से और प्रिजर्वेशन जो इसमें केमिकल डाले जाते हैं उस वजह से। दूसरी बात ये कि इसी तरीके से हम ये बंटीज को लेते हैं, ये आप देखिए कि इसमें कितने कलरफुल हैं, ये सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि बच्चों को अट्रैक्ट किया जाए। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, ग्रीन कलर है, इसमें वाइट कलर है, इसमें येलो कलर है। ये कलर जो होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, ये बहुत नुकसानदेह होते हैं सेहत के लिए, और इससे भी अभी नई रिसर्च आ रही है, मैंने भी इस पर कई कॉलम्स लिखे और ये बताया कि ये कलर जिस्म के अंदर जो है अल्सर पैदा करके लीवर कैंसर के मौजब बन रहे हैं। कि हमारे तो जो माएं देख रही हैं वो जरा कंट्रोल करें, और जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कलर्स उनको आप ही रोक सकती हैं, क्योंकि आपके बच्चों की को क्यों नहीं रोका जा रहा है। देखिए, कंपनीज को बनाने वालों को रोका जाए ना, रोका चाहिए ना। देखिए, ये अब देखिए एक के उमूमन जो है गरीब इलाकों में और छोटी दुकानदारों में ये मिठाई बड़ी आम मिलती है और ये मुख्तलिफ कलर्स में होती है, इसके अंदर लग तो वैसे बहुत अच्छी रही है, पैकेजिंग चाह रहे की बस चॉकलेट की लग रही है। तो ये इसके अंदर बेसिकली खोपरा जो है, इसके जो अज्जा के अंदर खोपरा होता है, शुगर होती है, तो ये जो नुकसान इसका वो ये है कि इसमें भी मैं वही बात कहूंगा कि इसमें जो कलर डाला गया है ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अमूमन देखिए लोअर लंग्स इन्फेक्शन बच्चों को जाता है, उनका सीना जिसे हम कहते हैं चलने लगता है, रात को खांसी हो रही है
और लोअर लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह भी यही मिठाइयाँ और यही टॉफियाँ होती हैं। okay. इसी तरीके से डॉक्टर साहब वहाँ पे शहद रखा हुआ है। हाँ, ये शहद जो है मुझे इस पे कॉमेंट ही करना है कि अक्सर लोग कहते हैं कि शहद जो है वो मोटापे के लिए फायदा देता है कि आप पानी में डाल के गर्म पानी में डाल के पी ले, लेकिन डॉक्टर साहब जब शहद ही असली नहीं है तो फिर काय का फिर मोटापा मजे का होता है ना ये शहर। और दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए क्या क्या खाए, क्या क्या करें, बदल में सामान रख के निकलने कराची से कहाँ जाए। मीठे का वैसे शौक होता है तो बस जल्दी से ये खा ले। बाहर एक गोली मिलती है वो पता नहीं है कौन मार के चला जाता है, वो फ्री की होती है। देखिए बात बात किस है, बात ही सर मैं आपको काटूंगी यहाँ पे कि छोटा सा, क्योंकि हमारा ब्रेक भी होते हैं ना, ब्रेक नहीं होएंगे तो फिर शो कैसे आगे बढ़ेगा आपको बाद में बताऊंगा। तो शहद हम यहीं पे एक सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना, है ना, सस्पेंस पे हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, और सस्पेंस है शहद, शहद के क्या क्या फायदे हैं हम जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप लोग कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, आपका अपना ही शो जिसका नाम है अच्छा भाई हम लोग बात कर रहे हैं मोटापे की और चीनी की और मिठास की और मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं हम, लेकिन जो मीठे होने के बाद, मीठे खाने के बाद मोटापा बढ़ जाते हैं और जो मोटे लोग होते हैं, मैं भी बड़ी काफ़ी मोटी थी, आप लोगों को पता नहीं है, कभी आराम से बताऊंगी उस बारे में, लेकिन जो मोटे लोग होते हैं वो कुछ कर नहीं सकते, ये बात बिल्कुल गलत है और ये आज मैं गलत साबित करूंगी। किसी से मैंने आप लोग को मिलवाना है और उनसे जानेंगे कि वो क्या करती है, लेकिन उससे पहले हम कुछ झलकियाँ देख लेते हैं कि वो करती क्या है, तो आइए पहले हम देखते हैं और फिर उनको उनसे मिलवाते हैं। जी दिखाइए। मेरी तालीम एमए, स्पोर्ट्स टीचर रही हूँ मैं कॉलेज में और स्कूल में, और इसके अलावा खेल कूद बचपन से ही रहा है, स्कूल लेवल से ही मैं स्पोर्ट्स के अंदर रही हूँ, खेलती रही हूँ, लेकिन क्योंकि खेल के साथ साथ लावालीपन ज़्यादा था तो खाती भी ज़्यादा थी, सोती ज़्यादा थी, चीनी का इस्तेमाल, मीठे का इस्तेमाल, जंक फूड्स ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, लेकिन खेलती भी बहुत थी, डिग्रेड होती थी जब मुझे कहीं जाती थी तो मोटापे की वजह से लोग बहुत अजीब अजीब बातें करते थे, पैदल जाती थी अपने घर से कॉलेज और पैदल वापस आती थी क्योंकि मुझे अपने आप को कम करना था, फिर मैंने अपनी डाइट पर भी मुकम्मल कंट्रोल किया और सारी चीज़ें लाइफ में से लाइक चीनी हर चीज़ कम करके मैं अपना वेट 154 केजी से 104 केजी तक लेकर आई। इसमें मुझे 2 साल 1.5 साल का पीरियड लगा, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से कम कर दिया। मुझे बता दिया तो मैं गायब हो जाऊंगी लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नामुमकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं है जी नाजी, नामुमकिन कुछ भी नहीं करती। अगर कहते हैं ना मोटे लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं पूछूंगी फरहाना आप करती क्या है। मैं एक निजी इदारे में योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं स्पोर्ट्स टीचर थी अपो कॉलेज में एज अ स्पोर्ट्स कोच के, और इसके अलावा मैं बैरिया फाउंडेशन में एज अ स्पोर्ट्स टीचर थी, उसके अलावा फिर मैंने अपने आप को, जैसे हमने पैकेज में देखा आप फुल एक्सरसाइज कर रही थी, जी मैंने पहले अपने आप को कम किया, पहले क्योंकि मैं स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर थी तो मैं मोटी बहुत थी, मतलब मैं खाती बहुत ज्यादा थी, लाइक चीनी कोल्ड ड्रिंक जंक्स एवरीथिंग, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं कहती थी खैर है कोई बात नहीं खा रही हूँ तो मैं खेल भी तो रही हूँ, लेकिन उसके नुकसान ये हुआ कि वक्त के साथ साथ मेरा मोटापा बीमारी बनता गया और मैं मुझे कहीं ना कहीं डिग्रेशंस रहती थी हर जगह, कि मोटी हो खेलती तो बहुत अच्छा हो लेकिन मोटी हो तुम मोटी क्यों हो,
वैसे सवाल आता है कि वक्त के साथ साथ फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लाइक शादी का जब वक्त आया तब भी यही प्रॉब्लम थी कि मोटी हो तो रिश्ते आते थे लेकिन मोटापा देख के चले जाते थे, ये भी बहुत सारे इश्यूज थे। फिर मैंने अपने आप को ग्रिप किया कि नहीं मुझे कम करना है, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम जिम को दे दिया और मैं स्विमिंग भी करती थी, जिम भी करती थी और योगा भी करती थी। तो ये भाई ये मोटिवेशन जो है ना, ये अगर हो आप में तो जिंदगी आगे ऐसे बढ़ती है ना कि एक तो मेरे ख्याल से तालियां होनी चाहिए इनके लिए, बिकॉज आप अपनी जिंदगी को सैड नहीं बना सकते अपने मोटापे की वजह से। अगर है मोटे तो कम भी हो सकता है, नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने बड़ी बीमारियों से अपने आप को बचाया है। आप यंग थी जब सह गया, बॉडी सह गई और आपके दिमाग में पढ़ी लिखी थी, समझदार थी तो अपने आप को रिड्यूस किया। 154 का मतलब है कि आप डेड लाइन, बॉर्डर लाइन पे थी, डेथ के बॉर्डर लाइन पे थी, आपको बता दूं। ओबेसिटी जो होती है 100 केजी के बाद ओबेसिटी में आ जाता है। इसी बात पे तो लड्डू खा लो है। मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया है। नहीं छूना, नहीं छूना, हाथ नहीं लगाना इसको, बिल्कुल छूना नहीं, छू के तो दिखा। अच्छा जी, मैं छू लेती हूं। छू लेते हैं ना, छूना नहीं का क्या होता है। नहीं यूं कर, मैं इसके पास में बेस्ट चीज ये किया और बस बहुत अच्छा। अच्छा भाई अना मुझे तो ये बताओ, तुम इतनी गौर से सुन रही थी बातें कि मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम ये सोच रही थी कि अपने आप को तो कहीं तुम पिक्चर नहीं कर रही थी, अगर कहीं मैं इतनी मोटी होगी तो मैं मोटी थी, मोटी थी। क्योंकि मैंने आपा के साथ काम किया है, हमने पूरा किया है और मैं आई वॉज अराउंड 79 मेरा वेट था केजी, ऑलमोस्ट 80 केजी था। ढाई साल पहले तो मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने मतलब सही तरीके से की है, ये नहीं कि मैंने आर्टिफिशियल चीजें यूज की हैं या कुछ इंजेक्शन लगाए पतला होने के लिए। वो तो दिल में चोर वाली बात, खैर आपकी तरफ से देख रही थी। मतलब ये कि मैंने नेचुरल तरीके से डाइट ज्यादा की, प्रोटीन डाइट पे थी, फिर वॉक करती थी, जिम करती थी। तो मैंने मेरा ये सवाल, बहुत अच्छी बात अनम, मुझे ये बताएं सर कि आप जब वेट लूज कर रहे होते हैं, ठीक है आपको वेट लूज करना भी होता है, आपकी क्रेविंग्स भी होती है मीठे की, आप अपनी जिंदगी में मीठा आप खत्म नहीं कर सकते, तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे शहद के बारे में, तो क्या इस वक्त जब आप डाइटिंग कर रहे हो और वेट लूज कर रहे हो तो कहा जाता है कि शहद जो है बहुत ही अच्छी चीज होती है, अगर आपको मीठा का अपनी क्रेविंग जो है वो हटानी हो तो शहद खाया जा सकता है, किस तरह खाया जा सकता है, क्यों खाया जा सकता है, अगर आप हमें कुछ बताएं। सबसे बुनियादी बात यह है कि शहद असली हो, हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि जो भी शहद आ रहा है वो ज़्यादातर जो है वो चीनी ही का बना हुआ होता है, और मैं दावे से आपको कहता हूँ कि मेरे मतलब में या मेरे जहाँ पे दवाएं बनती, मैं चीनी ही का ऐसा शहद बना के बताऊँगा कि आप प्योर शहद को साइड पर रख देंगे, आप चीनी वाले शहद को कहेंगे कि ये प्योर है, ठीक है। इस तरह के का लोगों के अंदर आर्ट आ गया है कि शहद जो है बाजार में 90% जो है वो जाली होता है, 90%। अब जैसे आप क्या कभी करें, हमारी आवाम बेचारी उफ, तो इसमें जो छत्ते तो बात यह है कि कौम को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो चीनी का जो है मुख्तलिफ डब्बे, अगर आप कभी स्वाद की तरफ गई हो या कागान की तरफ तो वहाँ रास्ते में बड़े बड़े क्यों ना एक मक्खी खरीद ली जाए, बालकनी में छोड़ दी जाए, बालकनी में छोड़ दी, अपने घर पर ही छत्ता प्रोड्यूस करें, तो अपने घर में ना मक्खियाँ छोड़े जाए। एक मक्खी से काम नहीं चलेगा, दो मक्खी, दो मक्खी तो तो उसमें शहद का जो किरदार है या शहद का जो रोल है ओबेसिटी के लिए, मेरे नज़दीक वो बिल्कुल निल है। अगर आप ये समझते हैं कि शहद से आपका वेट कम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि वेट कम करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो है वो बैलेंस डाइट पर अगर हम चलते हैं, और जैसे हमने सुन्नत कहकर
सुन्नत कह कह के मिठास को अपनी ज़िंदगियों के अंदर ऐसा शामिल कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस्लाम की या दीन की या तिब्बे नबवी से स्टडी करते हैं तो मिठास के बारे में ये है कि मिठास को बहुत ही कम मिकदार में खजूर की शक्ल में नबी अकरम सल्लम की जो आदत है उसके अंदर जो मिठास होती है वो हार्मफुल नहीं होती बॉडी के लिए। डॉक्टर साहब खजूर जो है वो तो नकली नहीं आती? नहीं नहीं, खजूर ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, अब तक वो दो नंबर नहीं आए। तो ये मीठा जो जो हम मीठा लेते हैं ये जो सुन्नत वाला मामला है, मैं बिल्कुल दावे से या स्टडी से बात कर रहा हूँ कि जो सुन्नतें वो ये कि खाना खाने से 10 मिनट पहले आप फ्रूट खा लें या 15 मिनट पहले आप फ्रूट खा लें, उसमें जो शुगर आएगी वो आपकी सुन्नत भी पूरी हो गई और आपके मैदे के अंदर जो फ्रूट चाहेंगे वो आपको जाहिर बात है कि इनटेक ऑफ खाना जो भी आप ले रहे हो जो भी मील आपकी वो उसकी क्वांटिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो इस तरह आप ओबेसिटी से बच जाएंगे और खाना कम लेने से जो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है यानी कि ये है कि हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं, हमको चाहिए कि हम जीने के लिए वाह भाई जबरदस्त। मां तुम बताओ कितना मीठा खाती हो तुम? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं खाना जो है ना वो प्रॉपर खाती हूँ, मतलब मैं डाइट्स और ये वो सब पे कर ही नहीं सकती। मैं एक फूड लवर हूँ और जो कि बिरयानियाँ और ये सब आई लव। आप अपने आप को ये बताएं, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेती हैं? ऑनर्स बताइए। इसमें मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ क्योंकि मैं लेट उठती हूँ। एक बजे वाला ब्रेकफास्ट होता है और उसमें फिर मैं माशाल्लाह से प्रॉपर खाना खा लेती हूँ। सुबह सुबह उठी तो आज क्या किया तुमने? I swear I don't do anything. मतलब मैं बिल्कुल हेल्दी चीजें ब्रेकफास्ट नहीं किया आजकल। नहीं ब्रेकफास्ट किया मैंने, I had a piece of chicken only. चिकन? हम तो अंडे खाते हैं भाई, कौन सा ब्रेकफास्ट हो रहा है? ये उल्टा चल रही है। नहीं नहीं अब बोलते चिनाज भाई ये उल्टा चल रही है, हम खाना ये खाना पहले खाती है, रात में अंडा रात में खाती है। अच्छा जो बच्चों लोग जो शिकायत करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो रही है, उसकी वजह मैं एक बेसिक बता देता हूँ कि वो लड़कियाँ जो कॉलेज या स्कूल गोइंग होती हैं, आप ये देखिए कि वो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती। सुबह वो स्कूल और कॉलेज चले जाती हैं तो आप स्टार्ट कीजिए कि वो रात को 10 बजे अगर उन्होंने डिनर किया है तो रात के 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक वो जब घर पे आती हैं तो 18 आवर्स या 17 आवर्स उन्होंने अपने आप को बिल्कुल खाली पेट रखा। खाली पेट रहना जो है नुकसानदेह है और खाली पेट रहने से जिस्म के अंदर खून की कमी से आप ओबेस होते हैं, आप ज़्यादा मोटे होते हैं, आप ओबेसिटी चढ़ती है। तो ये चीज़ जहन में रखें कि जो बच्चा नाश्ता नहीं कर रहा वो ऑटोमेटिकली मोटापे की तरफ जाए। अच्छा, स्ट्रिक्ट डाइट जो है ना वो भी बालों को और स्किन को तबाह कर देती है। राइट। अच्छा मुझे ये बताएं जो मेन सवाल है आज के हमारे शो का चीनी के हवाले से कि जिनको आदत है ऑलरेडी चीनी खाने की, जो क्रेविंग्स जिनको होती हैं, जिनकी ज़िंदगी में चीनी है, मीन्स के आप डिप्रेशन हो जाए तो आपको चीनी चाहिए, डिप्रेशन में खाते डिप्रेशन में तो ज्यादा खाते हैं। हाँ, छोड़ देना जो लगे आपको ज्यादा, वो उनके लिए क्या हाल है? वो ये मेरे ख्याल से मेन चीज है, वो क्या करें अपनी जिंदगी एडिक्शन जो है ना। एक मिनट, हाँ। में ये भी ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि हम डाइट्स भी करते हैं और ये चीजें भी होती हैं तो उसमें आपको भूख भी लगती है, भूख भी लगती है, ठीक है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। औरतों के लिए जो डाइट करती हैं और उनको मीठे की क्रेविंग होती है वो क्या करें, और जो औरतें ऑलरेडी मीठा खाती हैं वो अपनी जिंदगी में मीठा कम कैसे करें, ये दोनों बातें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो जहन में रखें कि मीठा नुकसानदेह, ये तो जहन में रख लीजिए। अगर वजन को कम करना है तो मीठा छोड़ना पड़ेगा। आपने मीठा छोड़ा है? हाथ नहीं लगाया आपने? हाथ तो लगाए हैं इन्होंने, मतलब इन्होंने जुबान पे नहीं रखा। लेकिन एक और बात बता दीजिए कि मैंने ये डाइट कंट्रोल की है बहुत हद तक, लेकिन मीठा चखने के अंदाज में लिया है। वो जरूरी है, देखिए चखना जरूरी है क्योंकि आपको हाइपोग्लाइसेमिक ना हो, खुदा ना करे, हमारे ब्रेन सेल्स को जरूरी है शुगर की। बात ये है कि आप शुगर लोगे एक्स्ट्रा, एक थ्रेशोल्ड है, एक लेवल है, अगर उससे ज्यादा आप शुगर लोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस जो एक बीमारी है शुगर की, खुदा ना करे अल्लाह ना करे किसी को हो जाती है, तो समझे एवरी टिश्यू एवरी सेल ऑफ द बॉडी
एक एक सेल जिस्म का नुकसान दे, कोई ऑर्गन, किडनी हो, लिवर हो, ब्रेन हो, स्किन हो, हेयर हो, एवरीथिंग डैमेजिंग है। तो आपने भी क्या जब वेट लूज किया तो मीठा बंद कर दिया था? मैंने फ्रूट पे किया अपना, मैं फ्रूट पे। ओके, फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल। जिनको क्रेविंग है मीठों की और जो डाइट कर रहे हैं और फिर भी मीठा अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं तो फ्रूट्स बहुत। मैंने 10 kg वजन कम किया है। आई एम 55-year-old मैन, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वर्किंग परवरदिगार, मैं सुबह से लेकर रात तक वर्किंग है मेरी, अल्लाह का करम है, कहीं मेरा सांस नहीं फूलता। परवरदिगार का बड़ा एहसान है, गफूर रहीम का। सिर्फ ये कि आपने बैलेंस, सुबह एक बॉयल एग, ब्राउन ब्रेड अगर ज़रूरत है, और लंच आप लें, लेकिन अगर आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, टिंडे, लौकी, जो पालक, 85 चीजें, वो एवरीथिंग आपके पास, कटिंग हुई हुई गाजर है, मूली है, 85 चीजें, हर चीज। मन सलवा में भी ये चीजें अल्लाह मियां ने उतार रही थी, तो ये आपके पास है ना, होनी चाहिए। और रात को चिकन टिक्का, बस ग्रिल, दैट्स इट। अगर आपने वो चीज अपनी हैबिट बनाई हुई है तो आप लूज इतना क्लासिकल करेंगे और बैलेंस रहेंगे आप। अच्छा, बातें तो बड़ी हो रही है, लेकिन इतना मीठा हमने अपने सेट पे रखा है, इतने तोहफे हमने अपने सेट पे रखे, तो मैं चाह रही हूँ छोटा सा गेम खिलवा लूं। खिलवा लूं कि नहीं? खिलवा लूं, खिलवा लूं आप लोगों में, खिलवा लूं। ये खेलना हम लोग इनको बताते हैं। नहीं, आज हमारा जो गेम है वो है अनम और माहम के बीच में। आ जाओ दोनों। मैं नहीं खा सकती मीठा, मैं नहीं खा सकती मीठा, चॉकलेट फाउंटेन यहाँ पे मौजूद है। ये जो है ये स्टिक तुम्हारे पास, तुम ऐसा करो कि तुम अपनी पार्टनर ले सकती हो, अकॉर्डियन से जल्दी से अपनी पार्टनर खिला सकती हो, खुद भी खाना उनको भी खिलाना, जल्दी से पार्टनर तुम भी ले और अनंत तुम भी ले, जल्दी से। टाइम है जबरदस्त, आज जिसको मीठे खाने का शौक है, दो 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 आज चले। करना ये है कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ अपने जहन में, कराऊं क्या तुम लोगों से, मैं मजाक कर रही हूँ, प्लान है सब कुछ यहाँ पे करना के। जो स्टिक मैंने तुम्हें पकड़ाई है ना, वैसे तो ओरिजिनली आप किस तरह खाते? ये आपने एक मार्शमेलो डाला, ठीक है, उनका क्वेश्चन है मोमेंट कि तमीज से खाना है या बदतमीजी से खाना है। तमीज से खाओ, बदतमीजी से खाओ, क्या होता ये कि हम यूं करके डालते हैं और यूं करके बनाते हैं, इसी तरह बनाते हैं ना सर। सर आप मुझे पहले ये बताएं कि आपके जो स्पाइक्स खाएं, कि आप ये फाउंटेन खाते हैं तो इसलिए बन गए आपके स्पाइक्स, खड़े हो जाते हैं फाउंटेन खाने से? नहीं खाते नहीं हो तो मुझे क्यों खिला रहे हो? है अच्छा, और फिर यूं करके ना हम हम तो नहीं खा कर रहे हैं, उसको मिलेगा, क्यों नहीं आपने करना है, ये हमारे पार्टनर्स करेंगे और हमें जिताएंगे। कितनी टाइम्स करना है? लाइक सिर्फ एक दफा करके, जल्दी जो जल्दी जल्दी करेगा, पांच पूरी उंगलियां चाट लेगा। हाँ, और जिसके सबसे ज्यादा की उंगलियां या ये सारी पांच की, पांच। अच्छा यूं यूं, ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा आगे कर दें, ठीक है, 3-2-1 गो। महा तो गई नहीं आगे, ये जल्दी से दिखा। ओके 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 ओके, दो हार चुकी है लेकिन ये जो है अनम, जो है अनम की टीम जीत चुकी है। मीठा इतना जरूरी होता है कि थोड़े से क्रेजी हो जाते ना, कि उंगलियां डाल के भी खा लेते हैं। किस किस के मुंह में पानी आ रहा था वो करते हुए, सबके मुंह में पानी आ रहा था। चलो किसके मुंह में पानी आ रहा था, आपके मुंह में आज, जल्दी से जल्दी डिप कर ले उंगलियां और खा ले। और हम अपने अनम मैं चाहूंगी, जी बिल्कुल, एक चॉकलेट पे आपने अभी बोला, क्योंकि मैं चॉकलेट पे भी आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले मैं चाहूंगी अनम कि आप अपनी टीम मेंबर को अपनी तरफ से अलमारी डॉटी के कौन था ये कौन थी, ये कौन थी आपकी पार्टनर? नहीं, ये तो दोनों मैं थी कर रही थी। कौन थी ये? थी आंटी, थी भाई, आंटी को दे दे तोहफा। आंटी आप मुबारक हो। अच्छा कब खाए हैं?
मैंने तो देखा ही नहीं, दिखाए तो भाई ये कैसी चीटिंग हो गई ना। वेरी गुड स्किन केयर की तरफ से अभी तोहफा ले लें, इतने मजे से आपने मीठा खाया। लेकिन मैं आपसे सर पूछूंगी, थैंक यू सो मच, मुझे ये बताएं क्या दे दे, वो वाला दे दूं? अच्छा भाई आप वो वाला ले ले, और वो मोबाइल को महाम बोल के ले रही है, आप ये देख रही हो तो थैंक यू। दो गिफ्ट्स, तालियां। ऐसे लग रहा है कि मैं वो खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए, नहीं आप बोलूंगी। मुझे ये बताया, चॉकलेट के ऊपर बात हो रही है, चॉकलेट एक ऐसी चीज है के इतने सारे ब्रांड, जितनी सारे आपको चॉकलेट्स हर किस्म की, पीनट्स वाली, कैरमल वाली, और एक कोकोनट वाली, मैं नाम कोकोनट वाली, बाउंटी क्यों नहीं ले सकते नाम, बाउंटी का ले सकते हैं, ट्विक्स, मार्स, स्निकर्स, कौन कौन सी चॉकलेट्स है वो तो दिल चाहता है। अच्छा भाई सॉरी एक्साइटेड हो गई मैं, मुझे पीछे से बोला है बस बस बस। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो चॉकलेट्स खाते हैं तो वो किस तरह ब्रेक मारे अपने चॉकलेट्स पे? देखिए सबसे पहली चीज़ ये कि WHO की जो रिपोर्ट्स हैं और अमेरिका में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जितना चॉकलेट का इस्तेमाल होता है उसमें अब ये सिलसिला शुरू हुआ है कि इसमें अगर शुगर ऐड ना की जाए, ब्लैक चॉकलेट या ऐसी चॉकलेट जिसके अंदर शुगर ना हो या बहुत ही नॉर्मल 5% शुगर हो, तो आजकल जो चॉकलेट्स आ रही हैं उसमें शुगर की परसेंटेज लिखी जा रही है, तो उसके मुताबिक रिसर्च ये है कि अगर चॉकलेट दिन में कम से कम अगर 5 ग्राम वो लेता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम अगर वो लेता है और डेली रूटीन में लेता है, तो उससे उसके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चॉकलेट और अच्छा, अब ये ना लोग चॉकलेट खाना शुरू कर दें। एक तो ये चीज चॉकलेट ही खा रहे ना हार्ट अटैक, तो इसमें मैंने एक चीज पहले बता दी कि वो चॉकलेट जिसके अंदर शुगर ऐड कम से कम हो 5% में, तो उस शुगर का फायदा ये होता है कि इसके अगर आप देखे जाए तो जिस दरख्त से निकलता है चॉकलेट और इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, ये वाकई में अगर हम इसको देखें, जैसे पान है, पान के मुताबिक बहुत है कि बड़ी खराबियां हैं, लेकिन मैं बताता हूँ ऐसे नुस्खे कि पान के साथ कोलेस्ट्रॉल में कमी आ जाती है, तो पान बेसिकली दवा है, इसी तरीके से चॉकलेट भी जो है एक दवा ही है, इसको हमने एक तरीके से जैसे डॉक्टर साहब ने एक ब्रांड का नाम ले लिया, तो बेसिकली वो दवा है, अगर उसको एक नॉर्मल तरीके से खाया जाए, इसी तरीके से शुगर का भी जैसे हम बता रहे, इतना हमने प्रोग्राम में आज पूरा शुगर के ऊपर मुखालफत भी की भी, तो इस चीज़ को जैसे अगर आप मुझसे ये सवाल करते हैं, कोई भी करता है कि इनटेक ऑफ शुगर दिन भर में कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान के लिए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 35 ग्राम, 35 ग्राम का मतलब 35 ग्राम, लेकिन डॉक्टर साहब ये 35 ग्राम को किस तरह अगर आप टी स्पून में अगर आप चम्मच बता दें, आप समझ लीजिए कि पूरे दिन में 8 चम्मच, पूरे दिन में नाजरीन 8 चम्मच कम से कम आप खाते हैं, आप बताएं कितने चम्मच खाती हैं? मेरा ख्याल है ना ही खाए तो अच्छा, ना ही खाए तो अच्छा, नहीं खाना नहीं, तो मैं इस बात की आपकी मुखालफत करूं। हां तुम कितने खाती हो? लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, नहीं पहले मेरे तो क्वेश्चन का जवाब दो यार। क्या क्या क्या? हां तुम ये फुल स्टूडेंट बनी ना, ग्लासेस लगा के आई है ये, हां क्लास खत्म हो गई है। आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, थैंक यू थैंक यू। आई नो ना, अच्छा कितने चम्मच खाती हो? चीनी चीनी कितनी चम्मच खाती हो? 4 चम्मच 5 चम्मच, तो इसका मतलब ये 2 दफा चाय, हाँ ये लिमिट में है, हाँ, आप लिमिट में ले रही हैं, सुबह शाम चाय होती है बस। मेरा एक असूल है, मैं डॉक्टर हूँ माशाल्लाह, प्रैक्टिस है मेरी, शुगर आपको खत्म कर दें, चाय में शुगर खत्म कर दें, बस दैट्स इट। कैसे शुगर कर देखें, शुगर देखें रूटीनली मीठा खाना, जैसे हमने चॉकलेट की बात की, या इन्होंने अगर चीनी कबूल है, पान की बात की, पान एक रात को एक मजे का पान घूमने निकले, एक मुंह में दबा लें पान, तो कह अब एक आदमी को कह दिया पान, रोजाना पान, रोजाना पान और उसमें 85 चीजें डाल के 85 वो नुकसान। बेसिकली हर चीज को लिमिट में। अच्छा डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, ये बताएं कि हमने शुगर से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो अब बहुत सारी अभी मार्केट में ऐसी चीजें आ गई हैं मुंह में कि वो आप विदाउट शुगर यूज करें, आप जो है वो अगर कोई डाइट ड्रिंक पी रहे, डाइट ड्रिंक ये डाइट ड्रिंक, आप डाइट चॉकलेट ले लें, क्या स्पेशल है जाके मीठा खाया डाइट ले आना, हां वो डाइट एक्शन भी हो गया, वाला एक सिंबल भी बन गया, मतलब क्या वाकई में ये चीजें यू नो इफेक्टिव होती हैं क्या? आप डाइट ड्रिंक ले लें, सवाल तो पूछे हमारी प्यारी सी स्टूडेंट का। हां
रोने शुरू हो जाएगी कि आप ये क्या चीजें वाकई इनसे कोई इफेक्ट पड़ता है कि आप डाइट ड्रिंक्स ले लें, आप चॉकलेट भी डाइट आ गई है, ये चीजें आप देखें, दिल को बहलाने को ये ख्याल गालिब आपको पतला होना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जैसे ये घूम रही थी। मुझे तो ना पतला होने और ना मुझ में हिम्मत है कि मैं एक्सरसाइज करूं, तो मैं ऐसे ही सही हूं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं, आपके ऊपर लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो आपको 101% डाइट कंट्रोल करना है। आपके क्यों बताइए, आपने वजन कैसे कम किया? वॉक करने से। और डाइट कंट्रोल करना, आपने कैसे कम किया? डाइट करने से। मैंने कैसे कम किया? मैं आप बिलीव करें, मैं बैठता था, मुझे बड़ा शौक है स्मार्ट रहने का, स्लिम फिट शर्ट बैठना था, यूं खुली हुई होती थी और शर्म आ रही होती थी और बटन खुले होते थे मैं तो बिल्कुल। और ये सिर्फ औरतों की नहीं, मर्द हजरात के भी, जो मेरे मर्द हजरात हैं वो भी जो शोज देखते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम है। नहीं, मर्द हजरात देखते तो हैं करीना कपूर को और अपनी बेगम को कहते हैं करीना कपूर बनो, और खुद नहीं देखते कि सलमान खान को उनकी बेगम देख रही है। भाई आप असल में मियाँ को भी, बेगमात को भी चाहिए कि अपने मियाँ को कहें फिट रहो, और मियाँ को भी चाहिए अपनी बेगमात को फिट रहो। नहीं, अगर बेगम का ये हिस्सा बड़ा हुआ है तो उनको यूं पकड़ ले बेगम, बुरा लग रहा हो। मियाँ का अगर टोन बड़ी हुई है, टमी बड़ी हुई है, उनका पेट तो पकड़ ले। कहते कुछ नहीं होता, हम मर्द हैं, हमें नहीं कोई बुरा लगता, खवातीन को बुरा लगता है। मतलब ये मेंटालिटी है। अपने ऑफिस में जाते हैं तो रेफरेंस देते हैं, मेरे इतनी अच्छी कुलीग है, क्या स्मार्ट आती है, और क्या उसने टाइट्स पहने हुए थे, और क्या मजे से चल रही थी। अगर मर्दों को बोले तो बुरा लग जाता है। अच्छा भाई, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ आखिरी मैसेज ये दूंगा कि जैसे आपने सवाल किया कि डाइट चीजें बाजार में बहुत आई हुई हैं, क्या ये अल्टरनेट है कि हम शुगर के बजाय वो ले लें? देखिए बात ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको कुछ ऐसी मसाइल हैं, तो आप शुगर कट कर दें, अपनी जिंदगी से कट कर दें, ठीक है, कोशिश करें, शुरुआत करें। लेकिन अल्टरनेट जो आप डाइट चीजें ले रही हैं, वो यकीन माने सेहत के लिए शुगर से ज्यादा नुकसान दे। अगर आप डाइट कोल्ड ड्रिंक ले रही हैं, डाइट केक ले रही हैं, डाइट जो भी आप चीज़ें ले रही हैं, उसमें आइसक्रीम्स आ रही हैं, जो जितनी चीज़ें भी आप लेंगी, तो इसमें आपके मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पे ये चीज़ लेने से जब आप 11 महीने या एक साल हो जाएगा, तो आप शॉर्ट मेमोरी फेलियर में आ जाते हैं। तो नाज़रीन मेरी, जो प्यारी सी नाज़रीन है, इस चीज़ को प्लीज़ समझें और डाइट जो है उसको कंट्रोल करें। और जाते जाते हम चाह रहे हैं कि कुछ एक्सरसाइज हो जाए, क्योंकि सुबह का वक्त है और इतने हम लोग मुस्करा रहे हैं, और चीनी का हमारा टॉपिक था, इतनी मीठी मीठी बातें की हैं हमने। तो आज जाते जाते डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि हम एक्सरसाइज कोई जल्दी से बताएं, हैप्पिंग वाली, और अब सब आ जाए यहाँ पे। नहीं, एक स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ आपको। नेचुरली हर घर में दरवाजा तो है। आप उस नहीं, हमें वो दरवाजे वरवाजे वाली टेक्निकल नहीं, हम गाना लगाएंगे गाने पे, हमने आपने करना है म्यूजिक पे। सारे गेस्ट आ जाएं, डांस में ये सीख लेना चाहिए सर, आपके बगैर तो हो ही नहीं सकता। डांस को बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन डांस एक्टिविटी, क्योंकि जब डांस कहते हैं आपका मेटाबॉलिक सिस्टम, आपका रिदम, आपकी हर चीज, आप टोन हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत आप अपने कमरे में करें, कौन कर रहा है बाहर करें, आप अपने म्यूजिक लगाएं, घर में करें। भाई डॉक्टर साहब आप आज शुरू हो जाए, हम यहाँ पे आपको फॉलो करेंगे। सर आपके बगैर जो है वो हो ही नहीं सकता। जाते जाते अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चीनी जो है कम रखिएगा, लेकिन चीनी की जैसी मीठी बातें जिंदगी में करते रहिए, और दूसरों को हंसाते रहिए, खुश रहिए, और सेहत का ख्याल रखें, और ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़। और सिंपली रखिएगा, ओके, म्यूजिक।